एसपी चौरसिया, टुडे इज डिस्कस अबाउट माइक्रो प्रोसेसर। आज हम माइक्रो प्रोसेसर के बारे में पढ़ेंगे। माइक्रो प्रोसेसर में एक सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है इंस्ट्रक्शन। जो भी माइक्रो प्रोसेसर वर्क करता है वो माइक्रो प्रोसेसर के में जो इंस्ट्रक्शन दिया जाता है उसी के आधार पे वो माइक्रो प्रोसेसर क्या करता है, वर्क करता है। तो सबसे पहले जानेंगे इंस्ट्रक्शन क्या है। इंस्ट्रक्शन एक कमांड है जो माइक्रो प्रोसेसर को दिया जाता है किसी टास्क को परफॉर्म करने के लिए, जैसे कि एडिशन करने के लिए, सब्ट्रैक्शन करने के लिए, डेटा को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रांसफर करने के लिए उसे एक कमांड देना पड़ता है, यानी एक इंस्ट्रक्शन देना पड़ता है। उस इंस्ट्रक्शन को वो क्या कर अंडरस्टैंड समझ के और क्या करता है कि वो उस टास्क को परफॉर्म करता है। जैसे इसे एक एग्जांपल के माध्यम से आसानी समझा जा सकता है, जैसे कि अगर आप अपने टेबल पे पढ़ रहे हैं और आपको प्यास लगी, तब आप अपने मम्मी को कहते हैं मम्मी एक गिलास पानी दो। तो आपकी मम्मी आपके इस इंस्ट्रक्शन को, यानी कि क्या कि मम्मी एक गिलास पानी दो, इंस्ट्रक्शन को समझती हैं, क्योंकि हिंदी जानती हैं, उसे समझ के और आपको पानी ला के दे देती हैं। तो जो आप जो वहाँ इंस्ट्रक्शन का काम हुआ, जो वहाँ कमांड का काम हुआ हो कि मम्मी एक गिलास पानी दो, इसी तरह माइक्रो प्रोसेसर में किसी भी काम को कराने के लिए एक इंस्ट्रक्शन एक कमांड देना पड़ता है, उस कमांड को ही इंस्ट्रक्शन कहते हैं। जैसे कि एक एग्जाम्पल या एक इंस्ट्रक्शन दिए हैं कि मूव ए कामा बी। इस इंस्ट्रक्शन का मतलब ये हुआ कि बी में जो डेटा है वो ए में कॉपी हो जाएगा, मतलब बी में जो डेटा है ए में मूव हो जाएगा। यहाँ मूव का मतलब कॉपी से मतलब कॉपी होता है, यानी कि बी में जो डेटा है वो पड़ा रहेगा और बी का डेटा ए में भी चलाएगा। ये एक इंस्ट्रक्शन हुआ। अच्छा, इस इंस्ट्रक्शन को माइक्रो प्रोसेसर कैसे समझेगा, क्योंकि हम जानते हैं कि माइक्रो प्रोसेसर केवल बाइनरी को ही समझता है। तो चूंकि हर इंस्ट्रक्शन का एक हेक्स कोड होता है जो आपके बुक में दिया होगा, पीछे दिया रहता है, तो जैसे कि मूव ए कामा बी का हेक्स कोड 78H है, 78H। इसका मतलब कि इसका अगर हम बाइनरी लिखेंगे हेक्स कोड, यानी हेक्साडेसिमल कोड, तो क्या होगा 0111 सेवन का इसका 1000। यानी कि इस बाइनरी डेटा को माइक्रो प्रोसेसर के अंदर डिजाइंड होता है। जैसे ही ये बाइनरी कोड हम बाहर से देंगे, यानी इंस्ट्रक्शन देंगे, माइक्रो प्रोसेसर समझ जाएगा कि बी की हम जो इंस्ट्रक्शन दिए हैं उसके में बी का जो डेटा है वो ए में क्या करना है, ट्रांसफर करना है। और इसके अनुसार इस इंस्ट्रक्शन के अनुसार माइक्रो प्रोसेसर बी के डेटा को ए में क्या करता है, ट्रांसफर कर देता है। मतलब क्या कि किसी भी टास्क को परफॉर्म कराने के लिए माइक्रो प्रोसेसर में हमेशा एक कमांड देना पड़ता है जो इंस्ट्रक्शन के रूप में होता है। किसी भी इंस्ट्रक्शन के दो पार्ट होते हैं, इस इंस्ट्रक्शन है टू पार्ट, यानी कि किसी भी इंस्ट्रक्शन के पास दो पार्ट होते हैं, जैसे एक होता है अपकोड, दूसरा होता है ऑपरेंड। जैसे यहाँ सेम एग्जाम्पल यहाँ लिए हैं कि मूव ए कामा बी। यहाँ मूव जो है ये क्या है, अपकोड होता है, जो ए कामा बी क्या है, ऑपरेंड है। इसका मतलब क्या हुआ है कि अपकोड वो होता है जो टास्क को परफॉर्म करना होता है, जैसे कि अपकोड वो होता है जो टास्क टू बी परफॉर्म्ड, यानी कि टास्क क्या है, यहाँ का हमको हमारा टास्क क्या है, यहाँ पे हमारा टास्क यह है कि बी के डेटा को ए में ट्रांसफर करना है, यही मेरा टास्क है। तो अपकोड से क्या पता चलता है कि क्या करना है माइक्रो प्रोसेसर को, अपकोड से क्या पता चलता है कि माइक्रो प्रोसेसर को क्या करना है, एडिंग करना है, सब्ट्रैक्टिंग करना है, कि डेटा को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रांसफर करना है। यहाँ सिंपली क्या है कि हम इस अपकोड से जान पाएंगे कि डेटा के साथ करना क्या है, ठीक। यानी कि जो अपकोड होता है वो बताता है कि कौन सा टास्क हमें कराना है। ऑपरेंड क्या है कि जहाँ किसी टास्क को कराने के लिए डेटा की जरूरत होगी और डेटा कहाँ है, कहाँ से डेटा को कहाँ ले जाना है, यानी कि जो डेटा है वो कहाँ है, यानी ये जो यहाँ पे दिया है मतलब बी में डेटा है और ए में क्या करना है, ट्रांसफर करना है। यानी कि डेटा कहाँ से कहाँ को ले जाना है, कहाँ से डेटा ले को एडिंग करना है, चाहे डेटा कहाँ से उसको सब्ट्रैक्टिंग करना है, इस प्रकार जो डेटा जहाँ से डेटा लिया जाता है वो ऑपरेंड कहलाता है, ठीक। अब देखेंगे व्हाट इज इंस्ट्रक्शन सेट। इंस्ट्रक्शन सेट क्या कहलाता है,
कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है, यानी कि कई सारे इंस्ट्रक्शन को क्या करते हैं, कलेक्शन में हम क्या करते हैं, कलेक्ट कर लेते हैं, और उस कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शन ही का इंस्ट्रक्शन सेट कहलाता है। मतलब बहुत सारे इंस्ट्रक्शन का समूह इंस्ट्रक्शन सेट कहलाता है। इंस्ट्रक्शन को तीन प्रकार से क्लासिफाई किया जा सकता है, उसे तीन प्रकार से हम समझ सकते हैं। देखेंगे यहाँ पे क्लासिफिकेशन ऑफ इंस्ट्रक्शन सेट ऑफ 8085 माइक्रो प्रोसेसर। ठीक, देख कोई भी इंस्ट्रक्शन सेट को तीन भागों में बांटा जा सकता है। एक उसके बेस्ड ऑन लेंथ ऑफ वर्ड साइज, यानी कि कोई भी इंस्ट्रक्शन है उसका कितना लेंथ है, लेंथ का मतलब यहाँ कितना है कि कोई इंस्ट्रक्शन कितने बाइट का है, यानी बाइट में मतलब कितने बिट का है। अगर उसकी उस किसी इंस्ट्रक्शन में बिट की संख्या बहुत ज्यादा है तो यानी उसकी वो इंस्ट्रक्शन का लेंथ क्या है, बहुत ज्यादा है, उसकी साइज बहुत बड़ी है। अगर इंस्ट्रक्शन में बिट की संख्या कम है तो यानी कि वो छोटा इंस्ट्रक्शन है। इसी तरह बेस्ड ऑन इंस्ट्रक्शन ऑफ वर्ड साइज, इसके आधार पे माइक्रो 8085 माइक्रो प्रोसेसर में तीन बाइट के इंस्ट्रक्शन हो सकते हैं। एक या इंस्ट्रक्शन एक बाइट का होगा, या दो बाइट का होगा, या तीन बाइट का होगा। अभी हम देखेंगे कि कौन सा इंस्ट्रक्शन किस बाइट का है, और देख के हम बता पाएंगे केवल इंस्ट्रक्शन को ही कि कोई इंस्ट्रक्शन कितने बाइट का है। आगे इसको कंप्लीट किया जाएगा इसी लेक्चर में। सेकेंड है कि बेस्ड ऑन एड्रेसिंग मोड। एड्रेसिंग मोड बेस्ड मतलब कि किसी इंस्ट्रक्शन में जो डेटा जहां से लेना है, जहां को डेटा को ट्रांसफर करना है, उसको कितने तरीकों से किसी इंस्ट्रक्शन में रखा जा सकता है, वही उसी को कहते हैं एड्रेसिंग मोड। जैसे इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड, रजिस्टर एड्रेसिंग मोड, रजिस्टर इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड, इमीडिएट एड्रेसिंग मोड, इम्प्लिसिट या इम्प्लाइड एड्रेसिंग मोड। इसको नेक्स्ट लेक्चर में कवर किया जाएगा कि इसको बताया जाएगा। इसी तरह किसी इंस्ट्रक्शन किस तरह का ऑपरेशन कर रहा है उसके अनुसार पे बेस्ड ऑन ऑपरेशन, यानी कि कोई इंस्ट्रक्शन जैसे कि इसमें क्या है कि डेटा पार्लर डेटा ट्रांसफर, यानी कि हम देखते जो इस पीछे एग्जांपल बताए वो ए का मा बी, यानी कि बी को डेटा को ए में ट्रांसफर करना है, वो किस कैटेगरी में आएगा, डेटा ट्रांसफर की कैटेगरी में। यानी कि एक होता है कि डेटा ट्रांसफर, डेटा को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रांसफर करेंगे। इसमें जो कई सारे इंस्ट्रक्शन होते हैं उसको हम एक एक करके एक एक पूरा इंस्ट्रक्शन पढ़ेंगे। इसी तरह अर्थमेटिक, यानी कि जोड़ना घटाना, ये सब इंस्ट्रक्शन जो होते हैं अर्थमेटिक में आते हैं। लॉजिकल इंस्ट्रक्शन में क्या होते हैं कि एंड करना है, ऑड करना है, एक्सक्लूसिव ऑड करना, ये सब इंस्ट्रक्शन जो होते हैं कि लॉजिकल इंस्ट्रक्शन में आते हैं। ठीक, तीसरा है एक ब्रांच इंस्ट्रक्शन। ब्रांच इंस्ट्रक्शन में क्या होता है कि एक कंट्रोल्ड इंस्ट्रक्शन है, कंडीशनल इंस्ट्रक्शन है, वो कंडीशन ट्रू होगा तो कंडीशन फॉलो करेगा, कंडीशन फॉल्स होगा, मतलब एक कंडीशन के अनुसार क्या होगा ये चलता है इंस्ट्रक्शन, ब्रांच इंस्ट्रक्शन, ब्रांच कंट्रोल इंस्ट्रक्शन, इसको हम आगे पढ़ेंगे। इसी तरह स्टैक का कुछ इंस्ट्रक्शन होता है इनपुट आउटपुट के लिए, कुछ इंस्ट्रक्शन होता है मशीन कंट्रोल के लिए, कुछ इंस्ट्रक्शन होता है। आज यहाँ पे हम बेस्ड ऑन लेंथ ऑफ वर्ड साइज, यानी कि कोई इंस्ट्रक्शन कितने बाइट का है, इसके बारे में डिटेल्स पढ़ेंगे और देखेंगे कि कोई इंस्ट्रक्शन 8085 में कितने बाइट का है। तो लिखते हैं इंस्ट्रक्शन सेट बेस्ड ऑन लेंथ ऑफ वर्ड साइज, यानी कि लेंथ के हिसाब से जो इंस्ट्रक्शन है उसको हम एक करके देखेंगे। इसमें पहला देखते हैं कि वन बाइट इंस्ट्रक्शन। पहला क्या है, वन बाइट इंस्ट्रक्शन। वन बाइट इंस्ट्रक्शन में अपकोड और ऑपरेंड सेम बाइट में इंक्लूडेड होता है। इसका मतलब क्या है कि हम देखें कि कोई इंस्ट्रक्शन है उसमें, जैसे कि यहाँ इंस्ट्रक्शन मूव ए का मा बी, कि इसमें क्या आता है एक बाइट का ही इंस्ट्रक्शन है, एक बाइट का इंस्ट्रक्शन है। जब जब कोई रजिस्टर कोई मतलब जो GPR है, मेरा जनरल पर्पज रजिस्टर है, जनरल पर्पज रजिस्टर है जो BCDEHL है चाहे एक्युमुलेटर में, यानी एक रजिस्टर से डेटा को दूसरे रजिस्टर में, यानी कि L से B में या C से D में, यानी कि एक रजिस्टर से डेटा को दूसरे रजिस्टर में जब भी डेटा को ट्रांसफर किया जाता है वो हमेशा इंस्ट्रक्शन एक बाइट का ही होता है। जैसे और इसके लिए डायरेक्ट हेक्साडेसिमल कोड हमें दिया होता है, वो जैसे कि हमको यहाँ आपको दिखाते हैं कि इस तरह के इंस्ट्रक्शन का हमेशा हेक्स कोड दे, जैसे मूव ए कामा बी, हम देखें मूव ए कामा बी,
मूव ए कामा बी, यहाँ पे इसका हेक्स कोड क्या है 78। इसी तरह जितने हैं बहुत जितने इंस्ट्रक्शन है सबका हेक्सा डेसिमल कोड दिया हुआ है। ठीक, हमें इसे याद करने की जरूरत नहीं है, ये दिया होता है। ठीक, हेलो, ये दिया होता है। ठीक, देखिए अब मूव ए कामा बी, ये 1 byte का इंस्ट्रक्शन, कैसे कर रहे हैं कि 1 byte का इंस्ट्रक्शन, इसका डायरेक्ट कोड क्या है 78 हेक्साडेसिमल कोड है, और 7 और 8 का हेक्साडेसिमल कोड क्या होता है 0111 और 1000। अब 4 bit का ये हो गया, और 4 bit कितने बट गया 8 bit, यानी कि ये कितने बाइट का, 1 byte का इंस्ट्रक्शन है। ये क्या हुआ कि मूव ए कामा बी 1 byte का इंस्ट्रक्शन है, यानी कि इसमें क्या है अपकोड जो टास्क परफॉर्म करना है वो क्या है इसी इंस्ट्रक्शन इसी में है, मतलब सेम बाइट में है और ऑपरेंड भी सेम बाइट में है, यानी कि एक ही बाइट का इंस्ट्रक्शन में अपकोड भी है और ऑपरेंड भी होता है। एन बाइट इंस्ट्रक्शन में हमेशा अपकोड और ऑपरेंड सेम बाइट में ही इंक्लूडेड होता है। इसी तरह ऐड बी क्या है ना कि जो एक्यूमुलेट एक बी में जो डेटा है और एक्यूमुलेटर में जो डेटा है उसके साथ क्या हो जाएगी एडिंग हो जाएगी और वो डेटा क्या एक्यूमुलेटर चला जाएगा। जब हम इंस्ट्रक्शन पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे कि कौन सा इंस्ट्रक्शन कैसा कार्य करे। यहाँ हमारा केवल पर्पज ये है कि हम बता पाए कि इंस्ट्रक्शन को देख कर कि कोई इंस्ट्रक्शन कितने बाइट का है। तो यहाँ भी क्या है कि हम एक सीधा रजिस्टर के साथ वर्क कर रहे हैं, इस रजिस्टर के साथ वर्क कर रहे हैं और बी के डेटा का एक्यूमुलेटर के साथ क्या करेंगे ऐड करके और एक्यूमुलेटर में चला जाएगा, यानी कि ये इसका हेक्स कोड डायरेक्ट दिया होता है 80H, और 80H का हम जानते हैं कि 100 और 0000H, यानी कि कितना बाइट का है, ये भी इंस्ट्रक्शन क्या है 1 byte का इंस्ट्रक्शन है। ठीक, अब देखेंगे 2 byte के इंस्ट्रक्शन में क्या होता है। 2 byte का इंस्ट्रक्शन, 2 byte इंस्ट्रक्शन सेट में क्या होता है, देख 1 byte क्या होता है कि हमको हमारे अपकोड के लिए होता है। वहां क्या था कि 1 byte में ही अपकोड और ऑपरेंड, 1 byte में जो हम लोग अभी पढ़े 1 byte वाले में 1 byte इंस्ट्रक्शन, उसमें 1 byte में ही अपकोड ऑपरेंड दोनों होता है, जबकि 2 byte इंस्ट्रक्शन में क्या होता है कि 1 byte जो होता है वो अपकोड के लिए होता है, यानी कि अपकोड जो है उसके लिए 1 byte हो जाता है, जबकि 1 byte जो देखो फर्स्ट बाइट जो किसके लिए अपकोड के लिए होता है, जो कि सेकेंड बाइट जो होता है ऑपरेंड के लिए होता है। जैसे कि हम यहाँ पे मूव ए कमा एम बी आई ए कमा डेटा लिखे हैं, जैसे एग्जांपल लिख सकते हैं एम बी आई ए कमा 05H, तो यहाँ जो मेरा अपकोड हुआ अपकोड इसके लिए क्या है एम बी आई का जो अपकोड बुक में दिया है वो 3E है। ठीक, और यहाँ जो 05 दिया है 05 ये क्या है हमारा हेक्साडेसिमल नंबर है, जो माइक्रो प्रोसेसर होता है वो हमेशा हेक्साडेसिमल में ही हम जो भी डेटा लिखते हैं हमेशा हेक्साडेसिमल में रहते हैं, यहाँ हेक्साडेसिमल में ये हेक्साडेसिमल में तो 05। अब देखेंगे 3 का क्या होगा 0011 और ई का क्या हो जाएगा 1110, ये कितने ये हो गया 1 byte का, ये हो गया 1 byte का, और ये भी क्या हो गया 1 byte का 0000 और 0101 1 byte का। तो ये इंस्ट्रक्शन कितने बाइट का 2 byte का इंस्ट्रक्शन है, 1 byte किसके लिए अपकोड के लिए, 1 byte क्या हुआ हमारा 8 bit डेटा के लिए, 8 bit डेटा है यहाँ पे, और 8 bit किसके लिए अपकोड के लिए और 8 bit इसके लिए डेटा के लिए, हमारा इंस्ट्रक्शन कितने बाइट का हो गया, ये इंस्ट्रक्शन 2 byte का हो गया। अभी अभी हम लोग एग्जाम्पल और सारा एग्जाम्पल करेंगे उसमें और क्लियरिटी मिलेगी। ठीक, अब देखेंगे कि 3 byte इंस्ट्रक्शन क्या होता है, 3 byte इंस्ट्रक्शन में इसमें क्या होता है कि फर्स्ट बाइट तो अपकोड के लिए होता है, जो टास्क परफॉर्म करना है जो इंस्ट्रक्शन में काम कराना है वो अपकोड के लिए होता है, जैसे कि LXI, यहाँ अपकोड क्या हुआ LXI, ये अपकोड हुआ मेरा जो टास्क परफॉर्म कराना है, यानी कि और जो सेकेंड बाइट होता है वो 16 bit एड्रेस के लिए होता है, क्योंकि मेमोरी पहले पढ़ाया जा चुका है कि जो माइक्रो प्रोसेसर जो है वो 16 bit एड्रेस का जनरेट करता है, और किसी भी मेमोरी का एक लोकेशन वो 16 bit एड्रेस से क्या मतलब उसको लोकेट किया जाता है।
तो 16-bit एड्रेस जो होता है वो डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन में दिया जाता है, ये 16, जैसे LXI EH कामा क्या है 24 0H। अब हम इंस्ट्रक्शन के बारे में नहीं पढ़ेंगे क्या इंस्ट्रक्शन करता है, जब इंस्ट्रक्शन के बारे में पढ़ेंगे तो समय बारे में, यहाँ पे हमें क्या मतलब सिर्फ क्या है कि ये इंस्ट्रक्शन कितने बाइट का है। अब देखेंगे ये जो अपकोड है मेरा, ये जो मेरा अपकोड है, ये अपकोड क्या आ गया 21, यानी कि 1 byte का ये हो गया, और मेरा एड्रेस 16-bit का है, यानी कि 1 byte ये हो गया, 1 byte ये हो गया, यानी कि 1 byte इसके लिए, 1 byte 00H के लिए, और 1 byte 21H के लिए। एक इंस्ट्रक्शन कितने बाइट का हो गया, ये इंस्ट्रक्शन 3 byte का होगा। एक बाइट किसके लिए हो गया, हमारा अपकोड के लिए होगा, और 2 byte जो ऑपरेंड के लिए कितने बाइट का, 2 byte का होगा, क्योंकि यहाँ 16-bit एड्रेस मेमोरी लोकेशन के लोकेशन को एड्रेस करता है। इसी तरह LDA 250H, और LDA का जो अपकोड होता है जो बुक में दिया होता है इसको याद करने की जरूरत नहीं है, LDA का जो अपकोड होता है 3A हो गया, और जो इसका जो एड्रेस होता है 2500H, यानी कि इसमें जो डेटा होता है वो एक्यूमुलेटर में लोड हो जाता है। मगर क्या है कि यहाँ पे 1 byte तो हमारा कि अपकोड के लिए हो गया, 1 byte किसके लिए हो गया, 1 byte किसके लिए, अपकोड के लिए, और 2 byte के लिए, 2 byte किसके लिए हो गया, हमारा ऑपरेंड के लिए। अच्छा एक चीज, जब कोई इंस्ट्रक्शन क्या मेमोरी में लोकेट होता है, तो जब कोई इंस्ट्रक्शन मेमोरी में लोकेट होता है तो इसका मतलब क्या है कि ये क्या होता है कि हर एक लोकेशन कितने बाइट, 1 byte का होता है, हर 808 माइक्रोप्रोसेसर में हर एक लोकेशन 8 byte का होता है, यानी कि अगर कोई इंस्ट्रक्शन 1 byte का है तो क्या केवल एक लोकेशन को ही कवर करेगा, अगर कोई इंस्ट्रक्शन 2 byte का है तो यानी कि वो यहाँ दो लोकेशन को कवर करेगा, अगर कोई इंस्ट्रक्शन 3 byte का है तो कितने 1 2 3 लोकेशन कवर करेगा। जैसे मान लीजिए कि हम इंस्ट्रक्शन LDA 2500H को इस मेमोरी लोकेशन में रखते, इसको क्या करेंगे कि LDA जो अपकोड होगा 8 bit का होगा, जो कि 8 bit का ही हमारा ये स्पेस है, तो इसको क्या कर दिया, कवर कर लिया। अब क्या करेंगे 2500H, अब 2500H के क्या करेंगे कि इस 2500H के इस मेमोरी लोकेशन को पे मतलब रखेंगे, तो यहाँ लिखेंगे कि 25 उसके बाद 00, यानी कि 1 byte क्या होगा, इस यानी कि 1 byte हमारा अपर लोकेशन के लिए, उसके नीचे लोअर लोकेशन के लिए 1 byte, उसके नीचे और लोअर लोकेशन के लिए 1 byte, यानी कि जो 3 byte का इंस्ट्रक्शन होता है मेमोरी के 3 लोकेशन को कवर करता है। अगर इसी तरह कहें कि कोई इंस्ट्रक्शन 1 byte का है, जैसे कि हमने देखा कोई इंस्ट्रक्शन 1 byte का है, तो ये क्या है मेमोरी और कितने हर जो कितने का होता है, हर जो होता है 8 bit का होता है, ठीक ना। और जो ये एड्रेस होता है 0000H 16 bit का एड्रेस होता है, H का मतलब हेक्साडेसिमल। तो अगर MVI A, B लिखे तो MVI MOV A, B केवल एक लोकेशन के ही कवर करता है, ठीक। तो हम अगर कोई इंस्ट्रक्शन 1 byte का है तो मेमोरी लोकेशन का केवल एक स्पेस को, यानी कि एक लोकेशन को कवर करेगा, जबकि कोई इंस्ट्रक्शन 2 byte का है 2 लोकेशन को कवर करेगा, कोई इंस्ट्रक्शन 3 byte का है तो मेमोरी के 3 लोकेशन को कवर करेगा, क्योंकि माइक्रोप्रोसेसर 8085 में जो डेटा लाइन होता है वो 8 data line होता है, और 8 data line जो होता है कि वो 8 इस नाते कि एक लोकेशन पे 8 data bit क्या होता है, 8 data bit का स्पेस होता है। अब हम कुछ एग्जाम्पल देखेंगे कि एग्जाम्पल के माध्यम से कि बता पाएंगे कि कोई इंस्ट्रक्शन कितने बाइट का है, देखते हैं। अब देखिए MVI A 05H, चूंकि क्या है यहाँ अपकोड कितना है, अपकोड के लिए क्या हो गया 1 byte, सीधा अपकोड के लिए क्या होगा 1 byte, यहाँ पे हम अपकोड लिखेंगे नहीं बुक से, नहीं याद करने की जरूरत, बस हम यहाँ बताएंगे कोई इंस्ट्रक्शन कितने बाइट का है, तो अपकोड के लिए क्या हो गया 1 byte, और डेटा के लिए क्या हो गया 1 byte, डेटा के लिए 1 byte, यानी एक इंस्ट्रक्शन कितने हो गया, ये इंस्ट्रक्शन कितना बाइट का हो गया 2 byte का है, 1 byte किसके लिए, अपकोड के लिए, 1 byte
डेटा के लिए, वन बाइट डेटा के लिए कैसे, ये जो डेटा यहाँ रखा गया वो हेक्साडेसिमल में है, और एक हेक्साडेसिमल के लिए हम कितने 4 बिट लिखते हैं, यहाँ लिख के देख 0000H और 5 के लिए 0101H, तो क्या 1 4 बिट ये 4 बिट ये 4 बिट 8 बिट, 8 बिट को ना 1 बाइट, जो हमारा अपकोड होता है वो हमेशा 1 बाइट का होता है, तो अपकोड क्या 1 बाइट का और डेटा 1 बाइट का, तो इंस्ट्रक्शन कितने बाइट का हो गया 2 बाइट का, तो 2 बाइट का हो गया, तो मेमोरी लोकेशन का कितना 2 लोकेशन को क्या करेगा कवर करेगा। अब क्या मूव ए कमा बी, इसमें क्या होगा कि एक 1 बाइट में ही अपकोड और ऑपरेंड दोनों होते हैं, चूंकि हम कहें कि जब भी डेटा रजिस्टर से रजिस्टर में ही ट्रांसफर किया जाता है तो वो हमेशा 1 बाइट का ही होता है, ठीक है। यहाँ पे जो हमारा जनरल पर्पज रजिस्टर है ABCDEHL जो है, उससे अगर डेटा को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रांसफर करते हैं तो वो हमेशा क्या होता है 1 बाइट का होता है, और ये कितना होगा वो 1 बाइट का इंस्ट्रक्शन हो गया। इसी तरह LXIH कमा 2800H, इसका मतलब ये अपकोड के लिए कितना हो जाएगा 1 बाइट, 1 बाइट किसके लिए हो जाएगा अपकोड के लिए, और चूंकि ये क्या है एड्रेस है, किसका मेमोरी लोकेशन का एड्रेस है, और इस ये एड्रेस क्या करेगा, इस ये हो गया हमारा 1 बाइट का, ये जो नीचे वाला 1 बाइट का हो गया, इसको कहते हैं इसमें ये जो है इसे कहते हैं लोअर ऑर्डर एड्रेस, और जो इसे कहते हैं हायर ऑर्डर एड्रेस, हायर ऑर्डर एड्रेस, यानी कि लोअर ऑर्डर एड्रेस के लिए 1 बाइट और हायर ऑर्डर एड्रेस के लिए 1 बाइट, तो कितने बाइट का इंस्ट्रक्शन हो गया ये टोटल, ये इसके लिए 1 बाइट, तो कितने बाइट का इंस्ट्रक्शन हो गया, ये इंस्ट्रक्शन 3 बाइट का हो गया। अब इसको देखते हैं कि मूव ए कमा आर कमा यम, यम जो होता है वो बाय डिफॉल्ट जो होता है हमेशा क्या होता है एक एचएल पेयर रजिस्टर होता है, क्या होता है एचएल पेयर रजिस्टर होता है, तो चूंकि यहाँ क्या है इसके लिए डायरेक्ट हेक्स कोड हमें दिया होता है, डायरेक्ट हेक्स कोड दिया होता है मूव आर कमा यम के लिए, यहाँ आर क्या है, आर कोई एक रजिस्टर है, यहाँ आर जो कोई एक रजिस्टर जनरल पर्पज रजिस्टर में कोई एक क्या है एक रजिस्टर है, जैसे यहाँ लिख सकते हैं कि मूव बी क्या माया कोई एक रजिस्टर ले लिया, ठीक, तो क्या है ये रजिस्टर से ही रजिस्टर में डेटा को ट्रांसफर किया जाता है, और इसके लिए डायरेक्ट हेक्स कोड हमें हेक्साडेसिमल कोड दिया होता है, तो ये तो हमेशा में इसमें क्या है कि जो अपकोड है और ऑपरेंड दोनों क्या है 1 बाइट में ही इंक्लूडेड है, तो इस इंस्ट्रक्शन क्या हो जाएगा 1 बाइट का ही होगा, क्या होगा 1 बाइट का। इसी तरह ये भी इंस्ट्रक्शन क्या है 1 बाइट का ही होगा, क्योंकि इसमें भी इसका भी हेक्स कोड हेक्साडेसिमल कोड डायरेक्ट दिया हो जाता है, इसमें अपकोड और ऑपरेंड का एक ही बाइट में है, यहाँ आर भी एक रजिस्टर कोई भी रजिस्टर ले सकते हैं BCDEHL कोई भी HL नहीं HL तो चूंकि यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक M दिया हुआ है, M का बाई डिफॉल्ट क्या है हमेशा HL पेयर रजिस्टर होता है, यहाँ पे LDA 2400, यहाँ अपकोड के लिए क्या हो जाएगा 1 बाइट, अपकोड के लिए 1 बाइट, और इसके लिए हायर ऑर्डर एड्रेस के लिए 1 बाइट और लोअर ऑर्डर एड्रेस के लिए 1 बाइट, बताइए कितने बाइट का हो गया, ये इंस्ट्रक्शन 3 बाइट का हो गया। अब इसे बताइए तो ये इंस्ट्रक्शन कितने बाइट का हुआ, ये क्या है अपकोड, अपकोड के लिए कितना 1 बाइट, और ये हायर ऑर्डर लोअर ऑर्डर क्या है 1 बाइट, और ये 1 बाइट, ये कितने बाइट का इंस्ट्रक्शन हो गया 3 बाइट का इंस्ट्रक्शन हो गया। अब क्या करेंगे, ये क्या हो गया है अपकोड के लिए क्या है 1 बाइट, और डेटा क्या है हमारा जो डेटा है वो 8 बिट डेटा है, 8 बिट डेटा क्या है, अगर डेटा 8 बिट का है, ठीक, अगर डेटा 8 बिट का है तो क्या, अगर 8 बिट का डेटा तो अपकोड के लिए 1 बाइट हो जाएगा और डेटा के लिए क्या हो जाएगा 1 बाइट के लिए हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा इंस्ट्रक्शन 2 बाइट का हो जाएगा। इसी तरह LDAXB
जब भी एक्स दिया हो तो क्या होता है वो बीसी पेयर में रजिस्टर लिए जाते हैं। पेयर में चूंकि रजिस्टर हम ले सकते हैं, पढ़े होंगे जनरल पर्पज, तो जब भी बी से बी से बी है क्या है ये बी और एक सी क्या होता है वो हाईलाइट होता है, हाईलाइट कर वो ठीक। तो एल डी एक्स बी क्या है कि मतलब कि बी में बी सी में जो डेटा है वो क्या ए में कॉपी हो जाएगा, लोड हो जाएगा। यानी कि इसके लिए क्या डायरेक्ट क्या है हेक्स कोड दिया होता है, यानी कि इसमें ऑपरेंड अपकोड और ऑपरेंड का सेम बाइट में है। तो कितने इंस्ट्रक्शन का, 1 byte का इंस्ट्रक्शन है। इसी तरह एस टी एक्स क्या है 1 byte का इंस्ट्रक्शन है, और एच एल एल डी अपकोड के लिए 1 byte, हायर ऑर्डर एड्रेस के लिए 1 byte, लोअर ऑर्डर एड्रेस के लिए 1 byte। इसी तरह कितने बाइट का हो गया, 3 byte का इंस्ट्रक्शन हो गया। इसी तरह इसमें अपकोड के लिए 1 byte, हायर ऑर्डर एड्रेस के लिए 1 byte, लोअर ऑर्डर एड्रेस के लिए 1 byte। ये इंस्ट्रक्शन कितने का हो गया, 3 byte का इंस्ट्रक्शन हो गया। ये भी इंस्ट्रक्शन कितने बाइट का हो गया, 3 byte का इंस्ट्रक्शन हो गया। चूंकि इतने सारे एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझ गए होंगे कि इंस्ट्रक्शन को देख के बता सकते हैं कि कोई इंस्ट्रक्शन 1 byte का है, 2 byte का है कि 3 byte का होगा। चूंकि 8085 माइक्रोप्रोसेसर में मैक्सिमम जो मतलब इंस्ट्रक्शन का जो लेंथ होता है वो 3 byte का ही होता है। ये जो हम एग्जाम्पल लिए हैं ये सब डेटा ट्रांसफर का, जो डेटा ट्रांसफर बेस्ड ऑन ऑपरेशन जो बताए हैं, उस बेस्ड ऑन ऑपरेशन में जो डेटा ट्रांसफर एक जो है उस कैटेगरी में जो आता है उस इंस्ट्रक्शन को यहाँ हम मतलब बताएं, उस इंस्ट्रक्शन को एग्जाम्पल लिए हैं उसी के आधार पर बताए हैं। अब आगे हम बताएंगे कि कोई इंस्ट्रक्शन कितने का वर्किंग क्या है, कोई इंस्ट्रक्शन कितने मशीन साइकिल को, किस इंस्ट्रक्शन को कंप्लीट करने में कितने मशीन साइकिल लगते हैं, कितने टी स्टेट लगते हैं, वो कितने उसमें मशीन साइकिल में कितने रीड साइकिल मशीन चलता है, उसके कितने राइट साइकिल मशीन चलता है, उसमें अपकोड फेच में कितने टी स्टेट होते हैं, और कितने टोटल टी स्टेट किसी इंस्ट्रक्शन को कंप्लीट करने में लगेंगे। इसी तरह कुछ एग्जांपल जो है ये अर्थमेटिक के हैं, इसको भी देख लेते हैं। क्योंकि इसमें क्या है, इसमें बी में जो डेटा है और एक्यूमुलेटर एड में बाय डिफॉल्ट हम क्या एक्यूमुलेटर ले लेते हैं, एक्यूमुलेटर में जो डेटा है और बी में डेटा है एक साथ ऐड होके और क्या एक्यूमुलेटर में चला जाएगा, यानी कि ये रजिस्टर से रजिस्टर है तो सीधा कर देंगे 1 byte का इंस्ट्रक्शन। इसी तरह क्या है ये भी 1 byte का इंस्ट्रक्शन, क्योंकि ये इसके लिए अपकोड के लिए क्या आ जाएगा 1 byte का इंस्ट्रक्शन और डेटा के लिए क्या आ जाएगा 1 byte। कितने बाइट का ये हो गया, ये 2 byte का इंस्ट्रक्शन हो गया। इसी तरह अपकोड के लिए 1 byte और डेटा के लिए 1 byte, ये कितने बाइट का, 2, ये भी 2 byte का इंस्ट्रक्शन होगा। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि बेस्ड ऑन ऑपरेशन बेस्ड ऑन एड्रेसिंग मोड के आधार पे रजिस्टर एड्रेसिंग मोड रजिस्टर डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड रजिस्टर एड्रेसिंग मोड इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड इमीडिएट एड्रेसिंग मोड और इम्प्लिसिट या इम्प्लाइड एड्रेसिंग मोड, नेक्स्ट लेक्चर में इसको कंप्लीट करेंगे। ठीक, आशा करते हैं कि आप लोग को समझ में आया होगा और किसी भी इंस्ट्रक्शन को देखकर बता पाएंगे कि कोई इंस्ट्रक्शन कितने बाइट का है। और फर्दर लेक्चर के लिए आप लोग ट्यून करते रहिए मार्सुस्ती क्लासेस गोरखपुर, और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। थैंक यू।